हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से एक बार बात करेंगे बागेश्वर बाबा जी के विषय में, बागेश्वर धाम सरकार। क्या आप जानते हैं बागेश्वर धाम सरकार में अगर आपको अर्जी लगानी है, दरख्वास्त करनी है, अपनी मनोकामना माननी है तो आपको क्या करना है? बहुत सिंपल तरीका बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बताया है इसका। आप बागेश्वर धाम जाकर भी अर्जी लगा सकते हैं। अगर आप वहाँ नहीं जाते हैं तो ये तरीका आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। आप एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें एक नारियल रखिए, उसके साथ 5 लौंग रखिए और उसे बांध के अपने मंदिर में या अपने गेट पर, मेन डोर पर लटका सकते हैं। यह आपको सुबह नहा धोने के बाद करना है। और जैसे किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो उसे क्या करना है, उसे पीले कपड़े में नारियल 5 लौंग बांध के रखनी है। और जैसे कि किसी को जादू टोने टोटके ऐसी चीज़ों की परेशानियां हैं तो वो लोग काले कपड़े में नारियल 5 लौंग बांध कर अपने मंदिर में रखें। लेकिन ये आपको पूरी श्रद्धा के साथ करना है, ऐसे ही नहीं कि आपने कर दिया, रख दिया और बस हो गया। और अगर ऐसा करने के बाद आपको 2 दिन लगातार बंदर सपने में आते हैं तो आप समझिए कि आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। अगर 2 दिन सपने में नहीं आते, 1 दिन ही आते हैं तो समझिए कि आपकी अर्जी वहाँ तक पहुँच गई है। यह काफ़ी सिंपल तरीका है अर्जी लगाने का बागेश्वर धाम सरकार जी के यहाँ पर, बागेश्वर बालाजी जो कि मध्य प्रदेश में है। उसके अलावा आप लोग पूजा आराधना करते रहिए, ओम बागेश्वराय नमः। किसी भी देवी देवता को आप मानते हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ओम बागेश्वराय नमः का मंत्र जाप भी कर सकते हैं। और इस प्रकार अर्जी लगाने का यह सिंपल तरीका है, इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हमारी यह बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।